भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन की सवारियां जो आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों, हमारा देश भारत गरीब लोगों का एक अमीर देश है। यहां दो वक्त की रोटी को तरसने वाले लोग भी बसते हैं और ऐसे लोग भी जिनकी चुटकी बजाते ही दुनिया की महंगी से महंगी और नायाब चीजें उनके सामने पेश हो जाती हैं। वो चाहे इनके आलीशान घर हो या फिर अनोखे शौक, इनकी फैमिली हो या फिर इनकी सिक्योरिटी, इन रईसों की बात ही अलग है। और दोस्तों, अगर बात करें इन अमीर शख्सियतों की महंगी और लग्जरी सवारियों की, तो वो सब तो ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम और आप जैसे आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। लक्ष्मी मित्तल के दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट जेट से लेकर गौतम सिंघानिया की स्पेशल फरारी तक, हमारी आज की लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की। नंबर एक, मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। इनकी गिनती भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। ऐसे में जाहिर है उनके शौक भी बहुत शाही होंगे। दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का कलेक्शन है। इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके घर एंटीलिया में 6 फ्लोर तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए ही बने हैं। इनके कलेक्शन में मैबैक 62, मर्सिडीज एस क्लास, बेंटले फ्लाइंग स्पूर, रोल्स रॉयस फैंटम और मर्सिडीज SL 500 जैसी बेहद खास कार शामिल है। और तो और, इनकी सभी कारों में खरीदे जाने के बाद भी करोड़ों रुपए की मॉडिफिकेशन की जाती है, जो इन्हें बुलेट प्रूफ बनाने के अलावा हाई टेक सिक्योरिटी से भी लैस करती है। इसके अलावा अंबानी के पास 3 प्राइवेट प्लेन, फाल्कोन 900EX, बोइंग बिजनेस जेट और एयरबस 319 कॉर्पोरेट जेट है। इनमें से एयरबस 319 तो उन्होंने 2007 में अपनी वाइफ नीता के 44वें जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। इसके अलावा इनके पास 58 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा एक लग्जरी याच भी है, जिसमें पियानो बार, लॉन्ज और डाइनिंग एरिया जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इस 3 मंजिला याच की कीमत 600 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास एक वैनिटी वैन भी है, जो लग्जरी के मामले में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी की वैनिटी वैन को कोसों पीछे छोड़ दे। ये दिखने में जितनी शानदार है उतनी ही ज्यादा सुविधाओं से लैस भी है। इस वैनिटी वैन पर बुलेट बॉम्ब या आग का कोई असर नहीं होता और इसे बनाने के लिए अंबानी ने लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यहां तक कि अंबानी ने इसे मुंबई की सड़कों पर चलाने के लिए RTO को रजिस्ट्रेशन के तौर पर 1.82 करोड़ रुपए टैक्स में दे दिए थे। अब इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अंबानी की ये शाही सवारियां कितनी लग्जरी है। नंबर 2, रतन टाटा। दोस्तों, टाटा सन्स के मालिक रतन टाटा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में अपने बिजनेस स्किल से टाटा का झंडा बुलंद करने वाले रतन टाटा की लीडरशिप में ही कंपनी ने जगुआर जैसी कार मैन्युफैक्चरर्स को अपने अंडर में ले लिया है। दोस्तों, आपको बता दें, रतन टाटा के पास कारों के बेहतरीन कलेक्शन मौजूद हैं, और हो भी क्यों ना, वो कारों के इतने शौकीन जो हैं। इनके पास फेरारी कैलिफोर्निया है, जो फेरारी की एक लिमिटेड एडिशन कार थी और इसके सबसे फेमस मॉडल्स में से एक थी। रतन टाटा को लैंड रोवर की फ्री लैंडर में भी कई बार स्पोर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा रतन टाटा के पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, क्रिसलर सबरिंग, मर्सिडीज बेंज W124, कैडिलिक XLR और मर्सिडीज बेंज 500SLR जैसी कारें भी है। मल्टी करोड़ की ये कार्स कलेक्शन के अलावा अपने बिजनेस ट्रिप के लिए रतन टाटा के पास द सॉल्ट फाल्कन 2000 मॉडल का एक प्राइवेट जेट भी है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि टाटा खुद एक ट्रेन्ड पायलट है। नंबर 3, गौतम अडानी। अपने दम पर फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले गौतम अडानी को आज कौन नहीं जानता। इनकी गिनती इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आती है। लेकिन दोस्तों, गौतम अडानी सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर ही नहीं बल्कि अक्सर अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर भी लाइमलाइट में बने रहते हैं। आपको बता दें कि अडानी के पास एक चॉपर है, जिससे वो अपने घर के पीछे स्थित कर्णावती क्लब से एयरपोर्ट जाते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर उनके 2 प्राइवेट जेट हमेशा पार्क रहते हैं। इसके अलावा उनके पास 8 सीटों वाले 2 विचक्राफ्ट जेट और अगस्ता वेस्टलैंड AW139 भी है, जो 15 सीटों वाला डबल इंजन हेलीकॉप्टर है।
अगर हम गौतम अडानी की कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास लगभग 2.42 करोड़ रुपए की BMW 7 सीरीज, 6.21 करोड़ रुपए की Rolls-Royce Ghost और 3.13 करोड़ रुपए की Ferrari California जैसी कई सुपर लग्जरी कारें शामिल है। नंबर 4, अदार पूनावाला। दोस्तों, अदार पूनावाला आज काफी चर्चा में है। उनकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए मंजूरी जो मिल गई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आधार सिर्फ अपनी कोविड की वैक्सीन की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी लैविश लाइफस्टाइल के चलते भी चर्चा में रहते हैं। आधार पूनावाला अपने मुंबई से पुणे स्थित ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास अपना प्राइवेट जेट भी है। आधार महंगी कारों के भी शौकीन है। उनके पास 35 क्लासिक कारों का कलेक्शन है, जिसमें उनके पास फैंटम सीरीज की वन Rolls-Royce कार है जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे को बैटमोबाइल जैसी दिखने वाली एक कार भी गिफ्ट दी थी। दरअसल आधार ने दुबई के एक ऑटो शो में बैटमोबाइल जैसी कार देखी थी। इसके बाद उन्होंने एस क्लास की मर्सिडीज कार को बैटमोबाइल की शक्ल देने के लिए इसके बाहरी ढांचे के सभी पार्ट्स जमा किए और फिर मुंबई में इन्हें एक कार डिजाइनर से असेंबल करवाया। नंबर 5, लक्ष्मी मित्तल। दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल एक भारतीय बिजनेसमैन और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के CEO और चेयरमैन हैं। लक्ष्मी भारत के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। ऐसे में उनका शानदार और लग्जरी लाइफस्टाइल जीना कोई हैरानी की बात नहीं है। उनके कार कलेक्शन में 20 से ज्यादा कार्स हैं, जिसमें 1.41 करोड़ रुपए कीमत की मर्सिडीज बेंज सी क्लास से लेकर पोर्शे बॉक्सटर जैसी रॉयल सवारियां शामिल है। दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल के पास एक वैनिटी वैन भी है जिसका इस्तेमाल वो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए करते हैं। वहीं इसके साथ ही उनके पास लगभग 1000 करोड़ रुपए की कीमत का एक प्राइवेट यार्ड भी है जो सभी तरह के लग्जरी सुविधाओं से लैस है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या लक्ष्मी मित्तल के पास प्राइवेट जेट नहीं है, तो दोस्तों, मित्तल के पास दुनिया का सबसे महंगा जेट मौजूद है जो एक गल्फ स्ट्रीम 550 जेट है जिसकी कीमत लगभग 401 करोड़ रुपए है। इस प्राइवेट जेट को अंदर से देखेंगे तो आंखें और मुंह दोनों खुला का खुला रह जाएगा। नंबर 6, आनंद महिंद्रा। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक है। भारत की एक सबसे बड़ी कार कंपनी के मालिक चाहे तो दुनिया की महंगी से महंगी लग्जरी से लग्जरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आनंद महिंद्रा की खुद की सवारी के बारे में सुनेंगे तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 13,000 करोड़ की नेटवर्थ वाला ये जुझारू इंडस्ट्रियलिस्ट अपने ही ब्रांड की यानी कि महिंद्रा की ही गाड़ी में चलना पसंद करते हैं। जवानी में अक्सर अपनी पर्सनल फेवरेट बोलेरो इन्वेडर में ही दिखाई देते थे। उनके कार कलेक्शन में ऑडी Rolls-Royce और जगुआर सरीखी कार्स के अलावा एक महिंद्रा TUV 300 और एक महिंद्रा TUV 300 Plus भी शामिल है। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि आनंद महिंद्रा के पास खुद का प्राइवेट जेट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आसमान पर राज नहीं करते। उनकी महिंद्रा एरोस्पेस करके एक कंपनी है जो खुद ही हवाई जहाज बनाती है। नंबर 7, गौतम सिंघानिया। दोस्तों, रेमंड कंपनी के मालिक गौतम सिंघानिया भी चर्चाओं में मुकेश अम्बानी से कम नहीं रहते। यहाँ तक कि उनका घर भी मुकेश अम्बानी के घर एंटीलिया को टक्कर देता है। जहाँ मुकेश अंबानी का घर 27 मंजिला है, वहीं इनका घर 40 मंजिला है जिसमें हेलीपैड उतारने की भी व्यवस्था है। लेकिन दोस्तों, गौतम सिंघानिया सिर्फ अपने बिजनेस और घर को लेकर ही नहीं जाने जाते, वो एक बहुत बड़े कार लवर भी हैं, जो अपनी महंगी लग्जरी स्पोर्ट्स कारों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके पास फरारी 458 स्पेशल है जिसे उन्होंने 2014 में खरीदा था। दोस्तों, फरारी 458 स्पेशल 600 हॉर्स पावर वाली एक दमदार रेसिंग कार है जो सिर्फ 3 सेकंड में ही 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। दोस्तों, इसके अलावा गौतम सिंघानिया के पास उनकी सबसे पसंदीदा कार एरियल एटम, निसान स्काईलाइन GTR और लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर SUV भी है जिसकी कीमत भी करोड़ों में है। फास्ट रेसिंग का इनका इतना शौक है कि इन्होंने फ्रांस में एक F1 रेस में हिस्सा भी लिया था और इन्होंने ही इंडिया का पहला सुपर कार्स क्लब भी बनाया था। दोस्तों, इन 7 बिजनेसमैन की शाही सवारियों के बाद बोनस में आपको दिखाएंगे अब विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेम जी की सवारियों के बारे में,
दोस्तों अजीम प्रेम जी भारत की सबसे टॉप आईटी कंपनी विप्रो के मालिक हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन और साथ ही इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बाद भी अजीम प्रेम जी अपनी जिंदगी किसी लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ नहीं बल्कि बहुत सादगी के साथ जीते हैं। वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगा देते हैं। दोस्तों अगर हम उनकी शाही सवारियों के बारे में बात करें तो उनकी पहली कार थी फोर्ड एस्कॉर्ट थी, जिसे उन्होंने 9 साल तक इस्तेमाल किया था और फिर इसे हटाने के बाद उन्होंने टोयोटा की सेडान खरीदी। टोयोटा कोरोला दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से रही है और प्रेम जी के फैमिली ड्राइवर के पास पिछले दशक तक यही कार रही। फिर कई लोगों की नसीहत देने के बाद उन्होंने अपनी ही कंपनी के एक एम्प्लॉय से सेकंड हैंड मर्सिडीज ई क्लास कार खरीदी। इसके अलावा अजीम प्रेम जी कई बार इकोनॉमी क्लास में हवाई सफर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस और ऑटो रिक्शा में भी सफर करते हुए दिख जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि बड़ी और लग्जरी सवारी रखने से कुछ नहीं होता। हवा में उड़ान भरनी है तो सोच की भरो। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर देना। साथ ही ये वीडियो YouTube पर दिखाने वाले हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पर दिखाने वाले हमारे पेज को फॉलो कर लें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।